पिछले साल 26 जनवरी पर तिरंगा यात्रा को लेकर कासगंज जल उठा था। पिछली गलती से सबक लेते हुए इस बार यूपी पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। जिला प्रशासन इलाके में धारा 144 लागू कर रखी है और किसी भी तरह की रैली के आयोजन की अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस ने फ्लैग मार्च के साथ ही किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए छतों पर लाइट मशीन गन लगा दिए हैं। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे जिले को दो जोन में बांटा गया है। पीएसी और आरएएफ की दो कंपनियों के साथ ही 20 पुलिस इंस्पेक्टर, 83 सब इंस्पेक्टर, 97 हेड कांस्टेबल, 60 कांस्टेबल और 8 महिला कांस्टेबल की सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। इसके साथ ही एक एसीपी और दो सीओ भी सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे हैं। बता दें कि पिछले साल 26 जनवरी के दिन तिरंगा यात्रा के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। हिंसा में गोली चलने से चंदन गुप्ता नाम के एक युवक की मौत हुई थी और कई दिनों तक शहर तनाव की आग में झुलसा था। बाहर से लोग आ सकते हैं यहाँ डिस्टर्ब करने के लिए, तो इसके लिए हमारे जो वार्डर हैं, वार्डर पर जो ड्यूटीज लगी हैं उनको निर्देश दे दिया गया है कि वहाँ पर चेक करें, अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति है तो उसका प्रवेश बाधित करें। क्या सर जिले को भी सील किया गया है चारों तरफ से? जिले को सील नहीं किया गया, बल्कि जिले में एंट्री के जितने पॉइंट हैं उन पॉइंट्स पर ड्यूटीज लगी हैं, उनको बता दिया गया है कि हर आने वाले व्यक्ति चेकिंग करें।